घोस्ट्स या भूत ये बंगाली लिटरेचर और फोकलोर्स में भरे पड़े हैं, जो कि सोसाइटल और कल्चरल एक्सपीरियंसेस से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास ऑन होती रही हैं, जहां बाकी एरियाज के घोस्ट्स किसी डोमेस्टिक स्पेसेस को ऑक्यूपाई करते हैं, यानी कि लोगों को पजेस करते हैं, उनके ही बीच रहते हैं, उन्हें हॉन्ट करते हैं। वहीं बंगाली घोस्ट मार्शेज यानी कि दलदल वगैरह, देन पॉन्ड्स एंड जंगल वगैरह को ज्यादा ऑक्यूपाई करते हैं। और यहां मैं आपको बता दूं कि इनमें से कई ह्यूमन फॉर्म को लेने के भी काबिल हैं। बंगाल में कई जगह ये मान्यता है कि अगर एक हल्दी के रूट को जलाकर घोस्ट के नाक के पास कुछ देर रखो तो एक बंगाली घोस्ट इस जलते हुए हल्दी के रूट की स्मेल को बिल्कुल भी नहीं झेल सकता। बंगाली घोस्ट की भूख बहुत ज्यादा होती है, खास करके मछली के लिए। समय के साथ साथ इन घोस्ट ने काफी पॉपुलैरिटी हासिल कर ली है और आज की वीडियो में हम इन्हीं में से कुछ पॉपुलर बंगाली घोस्ट के बारे में जानने वाले हैं। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो पहले घोष जिसकी हम बात करने वाले हैं उसे कहा जाता है ब्रह्मदैत्य। तो ऐसा माना जाता है कि हिंदुइज्म में ब्राह्मिन्स की स्पिरिट ही ब्रह्मदैत्य बन जाती है। बंगाल में इनफैक्ट पूरे इंडिया में एक ऐसा कल्चर है जहां ब्राह्मिन बॉयज जब एक सर्टेन एज पे पहुंच जाते हैं तब उन्हें एक सेरेमनी में पार्ट लेना होता है, जिसे हम थ्रेड सेरेमनी या फिर उपनयन भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द लेजेंड, अगर कोई ब्राह्मण लड़का उपनयन सेरेमनी होने के 10 दिन के अंदर अंदर मारा जाता है किसी भी वजह से, तो उसकी स्पिरिट ब्रह्मदैत्य बन जाती है। ब्रह्मदैत्य जनरली पीपल के पेड़ को अपने रहने का ठिकाना बना लेते हैं, जिसे हिंदुइज्म में एक इम्पोर्टेंट जगह दी गई है। इनफैक्ट आपने भी कई बार सुना होगा कि गांव में पीपल के पेड़ पे एक भूत रहता है, तो यहाँ मोस्टली रेफरेंस ब्रह्मदैत्य से ही है। ब्रह्मदैत्य केवल वही खाना खाते हैं जिसे पूजा करके एज एन ऑफरिंग रखा जाता है, और इन जनरल वो किसी भी ह्यूमंस को डराने की कोशिश वगैरह नहीं करते हैं। इनफैक्ट कई केसेस में तो ऐसा बताया गया है कि वो फेलो ब्राह्मिन्स की मदद करते दिखे हैं। अब लाल बिहारी डे, जो कि 19th सेंचुरी के एक बंगाली फोकलोरिस्ट है, उनकी मानी जाए तो ये ब्रह्मदैत्य भूत जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं। एक बार जब ये गुस्सा हो जाए तो इनके गुस्से का कोई पार नहीं होता। ये अपने ऑफेंडर का या तो गला घोट देते हैं या फिर उनका गला तोड़ देते हैं। अब हमने सुना कि ये यूजुअली ह्यूमंस को डराते नहीं है, लेकिन हाँ, ये उनका एक दूसरा कैरेक्टर है जो कि ऑफेंड होने के बाद बाहर आता है, जहां वो ह्यूमंस को हार्म भी कर सकते हैं। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है ये मैं आप पे छोड़ता हूं, और इसीलिए आप कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करके मुझे अपनी राय जरूर बताएं। मैं पर्सनली यही मानता हूं कि ये सब सालों से चली आ रही कहानियां हैं और इनमें सच्चाई वैसे कुछ है नहीं। है जो भी हो, हम बढ़ते हैं अपने अगले घोस्ट की ओर, जो कि है शंखचूर्णिस। शंखचूर्णिस मैरिड वुमेन और विडोड ब्राइड्स की घोस्ट होती हैं, और इनका नाम इनके कपड़ों से पड़ा है, जो कि किसी कॉन्च सेल और वी कैन सिंपली से शंख होता है ना, उसकी तरह सफेद होता है। शंखचूर्णिस पेटनिस के कॉम्पेरिजन में कम खतरनाक होती है, लेकिन उनके कॉम्पेरिजन में ज्यादा जल्दी ऑफेंड हो जाती है। और पेटनिस कौन, वेल इनके बारे में हमने अपनी दूसरी वीडियो में बात करी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कमिंग बैक टू शंखचूर्णिस, वेल ये घोस्ट मैरिड वुमेन को पजेस कर लेती हैं ताकि ये अपने बीते विवाहित जीवन को दोबारा जी सके। एक पॉपुलर फोकलोर के मुताबिक एक लेडी ने एक्सीडेंटली एक शंखचूर्णी से कांटेक्ट कर लिया था, जिससे शंखचूर्णी बहुत गुस्सा हो गई। इसके बाद शंखचूर्णी ने उस औरत को एक पेड़ के अंदर ही कैद कर दिया और उसके बाद उसका फॉर्म ले लिया, एंड देन उस वुमेन के घर में एंटर कर गई, जहां उस लेडी के हस्बैंड और मदर इन लॉज उस लेडी में चेंजेस देखकर बहुत ही इंप्रेस्ड रह गए थे। अब इंप्रेस्ड क्यों हुए, वेल क्योंकि वो अब ज्यादा एफिशिएंट हो गई थी, सारा काम जल्दी से निपटा लेती थी और लोगों का सत्कार करती थी, लोगों के साथ बनाकर चल रही थी। लेकिन वो कहते हैं ना, झूठी अच्छाई बहुत देर तक नहीं टिक सकती, और जल्द ही लोगों को उस लेडी के अंदर का असली सच दिखाई देने लग गया। हद तो तब हो गई जब कुछ लोगों ने अपनी आंखों से उसे एक कमरे से दूसरे कमरे से खाना अपना हाथ लंबा करके लेते हुए देखा, जस्ट लाइक मिस्टर फैंटास्टिक। अब ऑब्वियसली ये काम तो शंखचूर्णी का ही हो सकता है। इसके अलावा कई लोग ये भी देख पाए कि खाना बनाने के लिए वो लकड़ी वगैरह नहीं जलाती थी, बल्कि अपना पैर डाल देती थी, उस पे आग लगा के उस पे ही खाना बनाती थी। तो इस शंखचूर्णी से बचने के लिए उसकी सास ने वही हल्दी के रूट वाला उपाय अपनाया। वो इस हल्दी के रूट को जला दी, और जब शंखचूर्णी सो रही थी तो उसके नाक के पास इस जले हुए रूट को ले गई, और इसे स्मेल करते ही शंखचूर्णी वीक पड़ गई, यानी कि काफी कमजोर हो गई और अपने रियल फॉर्म में आ गई। अब क्योंकि वो रियल फॉर्म में आ गई थी और बाइंड हो चुकी थी, तो उसे रियल लेडी को आजाद करना पड़ा और उस घर से बाहर भी जाना पड़ा। तो इन द एंड ओरिजिनल लेडी थी वो घर में आ गई थी, और शंखचूर्णी घर से बाहर निकल गई थी। तो ये एक कहानी मैंने आपको बताई है, आप इस पे कितना मानते हैं अगेन ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, बार बार रिपीट नहीं करूंगा। बट हाँ, जो भी आपकी राय है वो कॉमेंट्स में जरूर बताइए।
खैर हम बढ़ते हैं आगे अपने तीसरे घोस्ट की ओर जो कि है डाइनी। अब डाइनी सुनकर आप सोच रहे होंगे कि अरे ये तो डाइन जैसा सुनने में लगता है, एंड मैं आपको बता दूं कि ये लिटरली वही है। डाइनी बेसिकली बंगाली विचेस हैं जो कि ब्लैक मैजिक परफॉर्म किया करती हैं। डाइनी डार्क और अबैंडन्ड एरियाज में रहती हैं जहां कोई इन्हें देख ना सके, और ये अपना ब्लैक मैजिक परफॉर्म करती रहे मेकिंग देयर मैजिक स्ट्रॉन्गर। लेकिन जीते रहने के लिए इन्हें खाने की जरूरत होती है, और इनका खाना नॉर्मल हमारे जैसा नहीं होता, रादर या तो पिग्स हो सकते हैं, हेंस हो सकते हैं, इनफैक्ट बच्चे को भी खा सकती है। नाउ हियर कम्स द स्केरी पार्ट। अगर ये डाइनी किसी विलेज या फिर जहां ह्यूमंस लोग रहते हैं उस एरिया में रहने लग जाए तो उस एरिया से बच्चे गायब होना शुरू हो जाते हैं। क्यों वो आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो मैं आपको बता दूं कि ये डाइनी जो होती है वो किडनैप किए गए बच्चों को या तो अपना ब्लैक मैजिक सब्जेक्ट बनाती है या फिर उसे कंज्यूम कर लेती है खाने की तरह। ये वजह है कि कई गांव में लोग डाइनी को बहुत मानते हैं, और हाँ कई लोगों पे नकली इल्जाम भी लग जाते हैं कि वो डाइन है, जैसे कि नहीं हुआ था सैलम विच ट्रायल्स के दौरान। तो हाँ इसका ये दोनों एस्पेक्ट है। अब क्योंकि हम यहाँ एक डायन की बात कर रहे हैं तो ऐसे मुझे एक कहानी याद आती है जहाँ चार रईस जादे एक लड़की के साथ बुरा करते हैं। ऐसे में इन्हें फांसी की सजा सुनाई जाती है, लेकिन तभी कोर्ट के अंदर एंटर करती है एक डायन जो कि सब कुछ उथल पुथल कर देती है। तो आखिर इस डायन का मकसद क्या है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली उसका राज क्या है, जानने के लिए सुनिए डायन भूतनी की दहशत ऑन कुकू FM। देखो मैं कुकू FM का इस्तेमाल पिछले 1.5 साल से ऊपर से कर रहा हूँ, और यहाँ मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑडियो बुक सुन रहा हूँ जिसका नाम है घोस्ट स्पाई गौरव तिवारी। कुकू FM इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जो कि पहले से बड़ा और बेहतर हो चुका है। जी हाँ, यहाँ अब 15 लाख से भी ज्यादा हिंदी पेड सब्सक्राइबर्स हैं, और हर महीने यहाँ 4200 प्लस आवर्स का कंटेंट ऐड हो रहा है। केवल 2023 में कुकू FM पे 45 लाख घंटों का कंटेंट प्ले हो चुका है, यानी कि रोज तकरीबन 1.5 लाख घंटों का कंटेंट प्ले होता है। अब जब आप कुकू FM को इंस्टॉल करके मंथली सब्सक्रिप्शन ले रहे होंगे तो वहां आप मेरा कोड HAUNTT50 यानी हॉन्ट 50 का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, ताकि आपको पहले मंथ के सब्सक्रिप्शन पे 50% ऑफ मिल जाए, यानी पहले महीने का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 49 रुपीज में। तो देर मत करो, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट दोनों में है, उस पे क्लिक करो, कुकू FM को डाउनलोड करो, एंड हैप्पी लिसनिंग। तो अगले भूत जिसकी हम बात करने वाले हैं उसे कहा गया है मेचो भूत। ऐसा लगता है कि मौत के बाद बंगाली भूत की भूख बढ़ जाती है, क्योंकि मेचो भूत नाम के जो घोस्ट है ये यूजुअली उन लोगों के घोस्ट हैं जो कि डूब कर मरे थे या फिर वो मछुआरे थे। मेचो भूत मछली खाने के शौकीन होते हैं, और इसीलिए ये भूत पॉन्ड्स और लेक्स वगैरह को हॉन्ट करते हैं जहां इन्हें काफी सारी मछलियां मिल सके जिसपे ये फीड कर सके। अब बाकी बंगाली भूतों की तरह भी ये भूत ह्यूमंस को कुछ ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते, इंस्टेड ये अकेले जा रहे यात्री और फिशरमैन को रोक कर एक नेजल टोन में उन्हें बोलते हैं मच्छी दिए जा, विच मीन्स कि मुझे मछली दो, गिव मी फिश। ये घोस्ट बोट्स वगैरह से फिश वगैरह चोरी कर लेते हैं और कई बार लोकल विलेज तक में घुस जाते हैं ताकि इन्हें कुछ मछलियां मिल सके। अब मानो कि ये किसी घर के किचन में जाते हैं जहां इन्हें मछली वगैरह नहीं मिलती, तो ऐसे केस में उस घर में जो सबसे स्वादिष्ट खाना बना होता है वो इसे ही चटकर जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेचो भूत आसाम के कई फोकलोर से मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ डिफरेंस ये है कि हम मेचो भूत को किसी का नुकसान पहुंचाते नहीं देख पाए। वहीं अगर हम असम के किस भूत की बात करें जैसे कि घोड़ा पाक वगैरह, तो हाँ वो लोगों को नुकसान भी पहुंचाते थे। खैर यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, और अगले घोष जिसकी हम बात करने वाले हैं उसे कहा जाता है अलेया। पूरी दुनिया में जब भी आसमान में कोई चमकती चीज दिखती है तो उससे रिलेटेड कई कहानियां बना दी गई हैं। जैसे बिजली के कड़कने को कभी किसी घोष से या फिर कभी किसी भगवान से जोड़ा जाता है, वहीं अगर कुछ चमकता हुआ दिख रहा है तो उसे भी इस तरह से जोड़ा जाता है। बंगाल में भी आसमान में चमकते हुए ऑब जैसे दिखने वाले इस लेजेंड को अलेया के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये इल्यूमिनेटिंग ऑब जिन्हें अलेया कहा जाता है दरअसल में मरे हुए फिशरमैन की स्पिरिट्स होती हैं, जो कि मरने के बाद कई बार भटकते हुए मछुआरे को सही रास्ता दिखाने आ जाती हैं। कई बार ये स्पिरिट्स दूसरे मछुआरों को अपने मौत वाले लोकेशन पे ले जाती हैं ताकि उन्हें बता सके कि उनके साथ क्या हुआ था। अलेया ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उनकी बॉडी को डिस्कवर करके उनकी फैमिली तक पहुंचाया जा सके, जिसके बाद सही तरह से क्रियाक्रम करके उनके स्पिरिट्स को मोक्ष दिलाया जा सके। अलेया ज्यादातर सुंदरबंस के एरिया में आते हैं क्योंकि ये इलाका फिशरमैन के साथ होने वाले एक्सीडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ अगेन आप नोटिस कर पाए होंगे कि अलेया भी ज्यादा लोगों को हार्म नहीं पहुंचाती है। इस लिस्ट में अब तक हम सिर्फ डाइनी को ही देखे हैं जो कि हाँ लोगों पे अटैक करती है। अब अगले घोष जिसकी हम बात करने वाले हैं उसे कहा गया है निशी डाक।
निशिदाक उन लोगों के घोस्ट हैं जिनके मरने के बाद उनका प्रॉपर बरियल नहीं हो पाया था। निशिदाक देखने में किसी शैडो की तरह लगते हैं, और अगर इनके नाम के मीनिंग पे गौर किया जाए तो यहाँ हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल मिलती है। तो निशि का मतलब होता है नाइट और दाक का मतलब होता है कॉल। सो निशिदाक अपने विक्टिम को रात के वक्त उनके किसी लव्ड वंस की आवाज में पुकारती है और उसे अंधेरे में टारगेटेड जगह पे ले जाती है जहाँ वो अपने विक्टिम को जान से मार देती है। जी हाँ, ये वाली घोस्ट डेंजरस है। बहरहाल किसी निशिदाक और अपने किसी लव्ड वंस की आवाज में अंतर पता लगा पाना उतना भी मुश्किल काम नहीं है। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज कि निशिदाक आपको केवल दो बार ही आवाज लगाता है। सो अगर आप अपना नाम दो से ज्यादा बार सुने तो इसका मतलब आप सेफ है। यहीं से शायद वो वाली कहानी आती है ना कि रात को जब आप चल रहे हो तो कोई आपको पीछे से पुकारे तो मुड़ के पीछे मत देखो। वही कहानी इससे मिलती जुलती है। हाँ, लेकिन अगर ये पुकार दो से ऊपर बार हो गई, यानी तीन बार चार बार, तो हाँ आपका ही कोई रिलेटिव है, निशिदाक नहीं है। खैर, अगले भूत जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है एकनोर। एकनोर ऐसे घोस्ट है जो कि पाम ट्री पर रहते हैं, और इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये घोस्ट किसी एडल्ट को दिखाई ही नहीं देते हैं, ना ही ये किसी एडल्ट ह्यूमन को टारगेट करते हैं। दरअसल ये जो भूत है सिर्फ बच्चों को ही दिखाई देते हैं, और वो भी शरारती बच्चों को। दिखने में एकनोर बहुत ही क्रीपी होते हैं, और इनके बाल बिल्कुल पाम ट्री के पत्तों की तरह ही दिखाई देते हैं, जिस वजह से ये पाम ट्री में घुल मिलकर छिप जाते हैं। अब इन जनरल माना जाता है कि ऐसा कोई घोस्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, और ये घोस्ट की बस कहानी इसीलिए बनाई गई है ताकि शरारती जो बच्चे होते हैं ना वो ज्यादा बदमाशी वगैरह नहीं करें। मतलब उन्हें डरा दिया जाएगा तो वो डर जाएंगे, एंड देन बदमाशी नहीं करेंगे कि भैया बदमाशी किए तो एकनोर हमें उठाकर ले जाएगा। अब इनके नाम पे फोकस किया जाए तो ये घोस्ट जो होते हैं वो एक टांग वाले होते हैं, यानी कि सिर्फ वन लेग, और इसीलिए इन्हें एकनोर नाम से जाना जाता है जिसका मतलब ही होता है वन लेग। तो अब हम अपने फाइनल घोस्ट की ओर बढ़ते हैं जिसे कहा गया है काना भूलो। काना भूलो सबसे कॉम्प्लिकेटेड बंगाली घोस्ट में से एक है, क्योंकि ये कहां से आते हैं और इनकी ओरिजिन स्टोरी क्या है ये किसी को भी नहीं पता। मतलब थोड़ी बहुत कहानी इधर उधर फेंकी गई है, लेकिन ज्यादा नॉलेज किसी को भी इसके बारे में नहीं है। काना भूलो अपने विक्टिम्स को हिप्नोटाइज करके उन्हें अपने वश में कर लेते हैं, जिसके बाद वो उन्हें ड्रैग करके पाताल की गहराइयों में ले जाते हैं, जहां से वापस आने का रास्ता किसी को भी नहीं पता। यही वजह है कि कुछ लोग मानते हैं कि ये घोस्ट एक्चुअली में पाताल में ओरिजिनेट करते हैं। काना भूलो के टिपिकल विक्टिम्स हैं वो पैसेंजर्स जो कि किसी सुनसान रास्ते पे अकेले रात को चल रहे होते हैं। अब काना भूलो का ओरिजिन स्टोरी ना होने के पीछे एक रीजन ये हो सकता है कि जो भी रात को पैसेंजर्स चल रहे होते हैं और वो गायब हो जाते हैं, तो गायब होने के बाद हम उनसे बात ही नहीं कर पाए, तो हम पता ही नहीं कर पाए कि उनके साथ एक्चुअली में हुआ क्या। इट्स क्वाइट पॉसिबल कि उन्हें कोई जंगली जानवर वगैरह मार दिए होंगे, तो ऐसे में लोग कहानियां बनाते हैं, एक घोस्ट को ले आते हैं, लेकिन हाँ इसकी ओरिजिन बहुत ही क्लियर नहीं है। तो यही थे 8 बंगाली घोस्ट जिनके बारे में मैंने आपको बताया है, और आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, जाने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप कुकू एफएम को जरूर डाउनलोड कीजिए, और वहां मेरा कोड HAUNTT50 का इस्तेमाल करें टू गेट 50% ऑफ ऑन फर्स्ट मंथ सब्सक्रिप्शन, यानी पहले महीने का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 49 रुपीज में। चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।